हेलो गाइस, हाय, कैसे हो सब? गाइस, आज मेरा प्लान है गोल्डन टेम्पल जाने का। आज बाइक राइड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडी है बाहर, तो बस से जा रहा हूँ। उधर बहुत ट्रैफिक भी बहुत होएगा वहाँ पे। न्यू ईयर गोल्डन टेम्पल में मनाने वाला हूँ, आके मिलते हैं गोल्डन टेम्पल में। तो रेडी है भाई, निकलते हैं। चलिए, बाय, सत श्री अकाल। हाँ जी, कैसे हो? धूप निकल आई है। चलो जी, हूँ पहुँच गया मैं जलंधर बस स्टैंड पे। यहाँ से 87 किलोमीटर है गोल्डन टेम्पल, अप्रोक्स 1.5 घंटे का रास्ता है, 1.5 ओवर का। यहाँ से निकलेंगे अभी, देखते हैं बस कहाँ मिलेगी। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं जल्दी अमृतसर में। फाइनली मैं पहुंच गया हूं अभी गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल थोड़ा अंदर है, अभी एंट्रेंस एंटर किया है मैंने। यहां बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो आपको दिखाता हूं चलते चलते, और थोड़ा वीडियो भी बनाता हूं। मैंने सोचा आज कम बोलूंगा लेकिन आपको दिखाऊंगा ज़्यादा यहां की ब्यूटी गोल्डन टेम्पल की, और मैं भी खुद देखने आया हूँ यार। तो न्यू ईयर भी यहीं पर मनाएंगे और नाइट में गुरुद्वारे में रुकेंगे, वहीं से ही पूरा शूट करेंगे रात को क्या क्या होने वाला है। चलो देखते हैं, दिखाता हूँ आपको एक मिनट। बैक कैमरा किधर गया यार, बैक कैमरा। जी सामने आ रहा है घोड़े वाला चौक। ये गाइस घोड़े घोड़े वाला चौक है, पंजाबी में कोड़ा कहते हैं, घोड़े वाला चौक। बहुत सुंदर है यहाँ पे। पहले मार्केट होती थी बहुत भीड़ भाड़ वाली, तो भी यहाँ पे सेम ऐसे बना दिया, एक ही टाइप का दिखता है, और दुकानों का कलर भी वैसे ही दे रखा है और नाम भी वैसे ही। आपको दिखाता हूँ आगे, चलो। कितना सुंदर है गाइस, देखिए बहुत अच्छा स्टैचू बना है, क्या आर्ट की है। इसके पीछे वो जलियांवाला बाग है, अभी बंद है वो, तो यहाँ खुला नहीं है। ये देखो क्या ब्यूटीफुल है सब कुछ यहाँ पे बनाया। ये उनका स्टैचू है, वो जलियांवाला बाग में जो लोग शहीद हुए थे तो उनका है। और ये देखो मार्केट सामने। ये है एंट्रेंस गुरुद्वारे की, मतलब बाहर की साइड, और यहाँ पे जोड़ा घर है, वो सामने जोड़ा घर है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ बाद में, तो अभी पूरा बाहर से स्ट्रक्चर दिखा दूँ। ये बाहर से पूरा गोल्डन टेम्पल है, मार्केट से जैसे अंदर जाते हैं तो थोड़ा सा अपना फेस भी दिखा दूँ। वो पीछे है मार्केट, मतलब सब दुकानों के बोर्ड्स वगैरह एक टाइप के है। ये देखिए, ये यहाँ से पीछे पीछे मेरे जो देख रहे हो ना, ये गुरुद्वारे का जिस रास्ते से मैं हूँ बस स्टॉप के साइड से, वो वाला फ्रंट है। और तो गाइस वो सामने है जोड़ा घर, तो इतने जूते वगैरह जमा करो, आपको टोकन मिलता है, उसके बाद अंदर जाने का गुरुद्वारे में। और कभी भी आओ आके अपना लो यहाँ से दिखा के। चलो अंदर चलते हैं। लो जी पहुँच गए, वो सीढ़ियों से एंट्रेंस पे उन्होंने बनाने नहीं दी, बाबा जी ने रोक दिया बनाने से वीडियो। ये देखो अंदर से आपको दिखाते, करो दर्शन जी। क्या कीर्तन चल रहा है यार, क्या सुकून है यार, यहाँ पे पब्लिक आ रही है, अभी अभी शुरू हुई यानी बहुत काफ़ी है पब्लिक। वो जो सामने डिस्प्ले लगी हुई है, वैसी चार डिस्प्ले चारों तरफ लगी हुई है, जो अंदर कीर्तन चलता है ना उसके ऊपर लिख के आता है हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में। ये यहाँ से ये नीचे देखना, वहाँ से जाओ पब्लिक सामने सीधा अंदर जा रही है, वहाँ से एंट्रेंस है दरबार साहब की, तो यहाँ तक ही कैमरा अलाउड है भाई। अंदर बिल्कुल कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोटो खींचना मना है। ये सामने एंट्रेंस है, ऐसी चारों तरफ से एंट्रेंस है, ऐसे चारों तरफ ऐसे सेम टू सेम डोर है, चारों तरफ से एंट्रेंस है गुरुद्वारा की,
गाइज मैं तो दर्शन कर लिए है, अंदर जाके आ गया हूँ। अभी इवनिंग हो गई है, मुझे टाइम लग गया बिकॉज लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, बहुत रश है, न्यूज़ ईयर है ना। तो ये देखिए शाम को कितना सुंदर हो जाता है। अभी 6:30 हुए है, तो 6:30 पे ये ऐसे हो गया है क्योंकि ठंडी है ना, तो इसीलिए लाइटिंग हुई चालू कर दी है। और इतना सुंदर लग रहा है, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और पब्लिक देखिए, संगत बहुत ज़्यादा आई हुई है। अभी तो आनी है, अभी तो बाकी है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो संगत आना शुरू हुआ है। नाइट भर संगत होएगी, आपको दिखाएंगे। रात को भी जब फोग वगैरह हो जाएगी, और अगर बाबा जी ने अलाउ किया कैमरा चलाना, तो DSLR से करेंगे, नहीं तो फोन से ही काम चलाएंगे। रात को क्या ब्यूटीफुल दिखता है गोल्डन टेम्पल यार, बहुत सुंदर। इतना सुकून मिलता है ना यहाँ पे, मेरे को कभी कहीं और इतना सुकून नहीं मिला जितना यहाँ पे मिला है। तो आपको पीछे दिखाता हूँ मैं। भाई मैं फिर वापस आ गया हूँ, आपको दिखाता हूँ। अभी मैं अभी गोल्डन टेम्पल से बाहर आया हूँ नाइट में, बिकॉज मार्केट का जो माहौल है ना अभी बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत लोग आए हुए हैं, तो देखने का मज़ा तो इस टाइम है। तो चलो मैं आपको दिखाऊँ, चलते हैं, नाले मैं भी देखूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है भाई, भाई ये देखो सामने है मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड भी है बर्गर खाने के लिए, तो बर्गर भी खा सकते हो। तो अभी आपको दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड पे है CCD, पंजाबी में भी लिखा हुआ है भाई यहाँ पे सब, कैफ़े कॉफ़ी डे है पंजाबी में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैफ़े कॉफ़ी डे भी है। बहुत कुछ है भाई, मार्केट बहुत अच्छा है, ऐसे सेम टू सेम बोर्ड बने हुए हैं सब। जैसे कि आपने देखा, मैंने अभी पूरा कवर किया मार्केट को, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अभी मैं गुरुद्वारे में बैठने वाला हूँ, नाइट वहीं पे है इनसाइड, तो गुरुद्वारे में सेवा करेंगे थोड़ी। मार्केट तक घूम ली, पूरी कवर कर ली है। इस तो कवर करने तो बाद हूँ मैं जा रहा वापस अंदर, अपना बैग जमा करवाऊँगा और एक कम्बल वम्बल छोटा ले के वहाँ बैठ जाऊँगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। वो सरोवर है ना, तो पानी है वहाँ थोड़ा ठंडा है। गाइस सुबह के 2 बज गए हैं और देखो फोग बहुत ज़्यादा होने लगी है, और जहाँ पे फ़ोन चलाना मना किया है अभी बाबा जी ने, वो बोले हैं कि संगत बैठी है, लेडीज़ है, तो प्लीज़ फ़ोन अपने बंद रखो, और फ़ोटोज़ लेनी है तो आगे जाके यहाँ पे नहीं। तो सॉरी गाइस, अब मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको, बढ़िया लगता है, तो प्लीज़ आप शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो। अभी मैं ट्रैवल वीडियो भी साथ में बनाता रहूँगा, और इधर नॉर्थ में जो जो जगह घूमने वाली है, जो जो अच्छे अच्छे प्लेस है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई। चलो मिलते हैं, पंजाब वाले हो तुम भी, थोड़ी थोड़ी हिंदी समझते पे हो यार। मैंने हिंदी इस करके बोलनी पै रही है बिकॉज मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड पूना और गोवा तो है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। हूँ पंजाब चलावे तो पंजाबी भी बोलेंगे। चलो मिलते हैं अंदर जाके।